कोरोना नया वेरिएंट जो चीन में तबाही मचा रहा है उससे निपटने के लिए भारत सरकार की पूरी तरह एक्शन मोड पे आ गई है। नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023 में किसी भी छात्रों को नहीं किया जाने वाला है फेल। दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि आप परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा या फिर आपको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप पास हो जाएंगे, आपको फेल नहीं किया जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू हम बताने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। आज सभी लोगों को बता दें जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन की गिनती को हटा करके शॉर्ट क्वेश्चंस को अब बढ़ा दिया गया, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं। वही दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है फिर भी अगर आप उसे करने का अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर आपको उस क्वेश्चन के आधे नंबर देने वाला है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर आपको उसका उत्तर नहीं आता फिर भी अगर आप उसे लिखने का कुछ उससे मिलता जुलता लिखने का ट्राई करते हैं तो एग्जामिनर आपको उसके आधे नंबर यानी कि 1 या फिर आधा नंबर जरूर देगा। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इससे किसी भी छात्र का फेल होने का जो डर है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है। आपको कैसा लगा ये अपडेट जानकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।